कविता नाम है कवि की कल्पना का, यथार्थ का और उस भाव का जिसमें कवि डूबकर ऐसे ऐसे साहित्य की रचना करता है जो सहृदय सामाजिक से परे है। दीवारों से भी पतियाने की जिद है, हर अनुभव को अपना गीत बनाने की जिद है। दिए बहुत से जलते हैं गलियारों में, हर अनुभव को अनिश्चय के आंगन में खिलाने की जिद है। आप सभी का इस प्रातःकालीन वेला में अभिनंदन है। जब दिल और दिमाग एकजुट होकर चिंतन की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं, तब काव्य की रचना होती है। काव्य रचना वो अविरल धारा है जिसके संपर्क में आते ही सभी को, जो भी उसके संपर्क में आता है, आनंद विभोर कर देती है। कुछ ऐसी ही कविता की त्रिवेणी का संगम आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस काव्य त्रिवेणी को प्रारंभ करने से पहले हमारा जो वट वृक्ष है, हमारी निर्देशिका महोदया श्रीमती सरोज सुमन गुलाटी जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम का शुभारंभ उनके बिना हो ही नहीं सकता, तो दूर बैठे हुए भी मैं उनको सबसे पहले अभिनंदन और स्वागत प्रेषित करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्रीमती अंशुका अनेजा आईटी उपनिदेशिका, जिनके सहयोग से इस कवि सम्मेलन को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यालय की प्रबंधन समिति का भी मैं दिल के प्रत्येक कोर से अभिनंदन व स्वागत प्रस्तुत करती हूँ। निर्णायक मंडल के सदस्यों का भी दिल के प्रत्येक कोर से अभिनंदन है। विद्यालय के अध्यापक गण व विद्यार्थियों का भी तहे दिल से स्वागत है। सहायक निदेशिका अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन श्रीमती चंदन धवन जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। उप प्रधानाचार्य श्रीमती अर्पिता आचार्य जी का भी स्वागत है, वंदन है। आइए अब हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। आशा है आप सभी इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनकर इस कार्यक्रम को आनंद पूर्वक ग्रहण कर पाएंगे। तो स्वागत है आपके समक्ष यह कार्यक्रम। आओ दीप जलाएं, नई सुबह के सपने हम सबके हो जाएं, धरती के सुख दुख अपने आओ मिलकर दीप जलाएं। साहित्य साधना की इस सुंदर वेला में आप सभी को सादर वंदन। मैं हर्षता कंडवाल आप सभी का अंतर सदनीय कवि सम्मेलन में अभिनंदन करती हूँ। कविता भावों की सुंदर व सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसकी धारा प्रत्यक्ष रूप से ही अंतःस्थल की शिराओं में पहुंचकर रस की धारा को स्वतः ही प्रवाहित कर देती है और छोड़ देती है अपनी पहचान के निशान। इसी दिशा में विद्यालय के नन्हे मुन्ने साहित्यकारों को अपने भावों को प्रकट करने के लिए मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि इन नन्हे कवियों की नैसर्गिक साहित्यिक प्रतिभा मुखरित होकर परिपक्वता के शिखर तक पहुंच सके। सही कहा गया है, नन्हे फूल तभी महकते हैं, प्रयास की छतरी हम जब खोलते हैं, यही बनाती है सफलता की राह, पर होती तभी जब मन में हो चाह। मैं आयशी गुप्ता आप सभी का इस अंतर सदनीय कवि सम्मेलन प्रतियोगिता में अभिनंदन करती हूँ। इस मंच पर आयोजित की जा रही कवि सम्मेलन प्रतियोगिता में कक्षा चौथी से आठवीं तक के छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। काव्य पाठ की इस प्रतियोगिता का तीन रसों में चयन किया गया है, वीर, भक्ति तथा हास्य। प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों सदन के प्रतिभागी अपनी अपनी कविताओं का वाचन करेंगे। नूबेस मॉडल विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक निर्णायक मंडल के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी माननीय अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। महोदया श्रीमती नीलम आहूजा, श्रीमती तनुजा शर्मा व महोदया श्रीमान शशि कुमार तिवारी जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति इन उभरते साहित्यकारों का उत्साह वर्धन करने में सहायक होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार।
आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं हम एक सामूहिक गीत से, जो कवि सम्मेलन के उद्बोधन की अनुभूति से आपको सराबोर कर देगा। हे इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल, समस्याओं का निकलेगा हल। संयम रख, निराश न हो, दिल से अपने आस न खो, दिल से अपने आस न खो। जब धरती तपती सूर्य तपन से, बौछारे तब आती गगन से, वो सौंधी खुशबू बूंदों का गिरना मिलता नहीं बिना मेहनत के। सूरज भी तो थक कर प्रतिदिन अस्ताचल को जाता है, पुनः सुबह की पहली भोर से अंबर में चढ़ता जाता है। जीवन है तो संघर्ष है, उसमें ढूंढता क्यों नहीं हर्ष है। मुश्किल बाधाओं के आगे क्यों हो रहा तू विवश है। भले आज मनों की संतानों को महामारी ने आ घेरा है, पर विचलित ना हो तू परिंदे, इस रात का भी कल सवेरा है। भूल मत, याद रख, तू मनु का अंश है, सृष्टि की संतान है। इस जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में तुझ सा ना कोई महान है। देव रूप में जहां डॉक्टर अपना फर्ज निभाते हैं, निज कुटुंब का साथ छोड़कर करते हैं सबका जीवन उज्जवल। पुलिस, सफाई कर्मी या जनसेवक, किस किस को धन्यवाद करें। एक साथ मैदान में उतरे देव दूतों का चलो गुणगान करे। उद्देश्य यही सब स्वस्थ रहे, घर में अपने मस्त रहे। गुजर जाएगा ये भी संता, जब मिलकर लड़ेंगे हम और आप। होगी फिर से वो चहल पहल, ये आसमान भी गाएगा, जब घर से बाहर निकलकर परिंदा पंख फैलाएगा। ये परिंदा पंख फैलाएगा। आइए अब प्रतियोगिता के आकलन बिंदुओं से भी आपको अवगत करा दें। शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, आत्मविश्वास तथा प्रस्तुति, ये प्रतियोगिता के आकलन बिंदु हैं। इनका ध्यान प्रस्तुति के समय रखना होगा। अब मैं प्राथमिक विभाग से दिशिता शर्मा तथा साम्य शर्मा को मंच संचालन हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन और आभार। मैं साम्य शर्मा अपनी मित्र दिशिता शर्मा के साथ प्राथमिक स्तर के अंतर सदन कवि सम्मेलन के संचालन का कार्यभार वहन करने हेतु उपस्थित हूँ। आप सभी का अंतर सदन हिंदी कवि सम्मेलन प्रतियोगिता में प्राथमिक विभाग की ओर से स्वागत है। नन्हे मुन्ने कवि अपने मन के विचारों को सुंदर सुंदर कविताओं के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहे हैं।
हम सब मिलकर इनका मनोबल बढ़ाएं ताकि इनके अंदर विद्यमान प्रतिभा बाहर आ सके, क्योंकि ये मंच है आत्मविश्वास बढ़ाने का और दिशा निर्देशन प्रदान करने का। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ सीवी रमन सदन के छात्र विक्रमजीत बैनर्जी को, जो भक्ति रस को आधार बनाकर कविता पाठ प्रस्तुत करेंगे। भक्ति एक ऐसी दृष्टि है जो हमें दुनिया को एक खास नजर से देखने में मदद करती है, अपने अनुभवों को जानने में मदद करती है, अपने आप को जानने में मदद करती है। नमस्कार आदरणीय निशी निर्णायक मंडल, निदेशिका महोदय, प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज इस सदन में जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मुझे आप सबकी सहभागिता चाहिए। मैं विक्रमजीत सीवी रमन सदन का सदस्य आज आपके सामने भक्ति रस से ओतप्रोत एक कविता प्रस्तुत करूंगा। यह कविता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। वह बंगाली साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कवि व लेखक थे। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। नहीं मांगता प्रभु, नहीं मांगता प्रभु, विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं अब जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विद्या में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। कोई जब ना मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट ना जाए, जब जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार ना मानूं, ऐसा नाथ विधान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। सुख के दिन में शीश नवाकर तुमको आराधु करुणा कर, और विपत्ति के अंधकार में जगत हसे जब मुझे रुला कर, तुम पर करने लगू ना संशय, यह विनती स्वीकार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। कविता के अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, ढूंढना मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो मैं कहीं नहीं हूं, कहीं नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब, आपकी कविता ने ईश्वर भक्ति का जो मंत्र दिया है उसने हमें सिखाया है कि हर मुश्किल आसान हो जाएगी, डर मत, प्रभु का स्मरण कर, बंधन भी खुल जाएगी। कविता पाठ की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं निष्ठा मक्कर को आमंत्रित करती हूँ, जो वी रस के माध्यम से आपको कठोर संकल्प और दृढ़ निश्चय के लिए प्रेरित करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा मक्कर है। मैं कक्षा 4 कल्पना चौदस लर्न की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने महान लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता झांसी की रानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सिंहासन है लूटे राजवंशों ने, रुपी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में छानी थी, चमक फुटी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हारमोनियों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल की पाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वी शिवाजी की गाथाएं उसको यहाँ जुबानी थी, बुंदेले हरमोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजाली छाई, किंतु काल गति छुपके छुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया का भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल पी आई करसो मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी क्या ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए आवार, रानी एक शत्रुभव तेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे भी गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। रानी गए सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 13 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गए पथ सिखा गई हमको सीख जो सिखानी थी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तेरा स्मारक तो ही होगी तू खुद अमित निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। अति सुंदर, आपकी कविता से हम यह सीख पाए कि कुछ कर गुजरने के लिए मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब आपके समक्ष हास्य कविता लेकर हंसाने व गुदगुदाने आ रही हैं आर के सदन की सुश्री काश्री मेहरा, तो आइए हम सब मिलकर इनका मनोबल बढ़ाते हैं और कविता का आनंद लेते हैं। नमस्कार, मैं काश्री मेहरा कक्षा 500 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आराम करो आराम करो। एक मित्र मिले बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस डेढ़ छटांग के राशन में भी तुम बढ़ाए जाते हो, क्या रखा मांस बढ़ाने में, मनुष अकल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर पुरुषों को मत बदनाम करो, क्या रखा इस दौड़ धूप में, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी इससे न तो पैदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है, ये जीवन रोमन क्षण भंगुर, आराम करो आराम करो। अपने घर में बैठे बैठे लंबी लंबी बात करो, यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पाद करो। अपने घर में बैठे बैठे लंबी लंबी बात करो, करने धरने में क्या रखा जो रखा सो जाने में, होठ हिलाने में जो रस है वो कभी ना हाथ हिलाने में, तो मुझसे पूछो मैं बतलाऊं क्या मजा मूर्ख कहलाने में, यही सोच कर पास करके कम ही जाया करता हूँ, जो अकलमंद जन होते हैं उनसे मैं कतराया करता हूँ, दिए जलने से पहले घर में आ जाया करता हूँ, जो मिलता खा लेता हूँ चुपके से सो जाता हूँ, मेरी गीता में तो बस यही लिखा है सच्चे योगी वो होते हैं जो कम से कम बार
धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत कविता पाठ। आपकी कविता से यह सीखने को मिला कि जिंदगी के प्रत्येक पल, चाहे वो सुखों से भरे हो या दुखों से, भरपूर जीना चाहिए। तो आइए प्राथमिक स्तर के अंतिम कविता का आनंद लें और विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करें। तो प्रस्तुत है सरोजनी नायडू सदन की सुश्री अमित मिश्रा। नमस्कार सम्माननीय निदेशिका महोदया, निर्णायक मंडल तथा इस कवि सम्मेलन में उपस्थित अन्य आदरणीय श्रोतागण, आज मैं अवनीत मिश्रा आप सबके समक्ष अपनी कविता करुणा को है भगाना तो घर से दूर नहीं जाना, जिसकी रचयिता मेरी नानी श्रीमती शरणजीत कौर है, प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आजकल पूरे विश्व का ज्वलंत मुद्दा करोना है, सभी इससे बचने के प्रयास में रत हैं। अगर हम परेशानी का सामना मुस्कुराकर करेंगे तो परेशानी कम तो होती ही है, साथ ही साथ मन भी प्रसन्न रहता है। तो आइए मेरी इस कविता के साथ ये जानिए कि इस करोना नामक महामारी ने देश के साथ साथ घरों में भी क्या हलचल मचाई हुई है। बंद हुआ दुनिया का सुख चैन से सोना और शुरू हुआ है जोर जोर से रोना, क्योंकि पीछे पड़ा है एक शैतान बौना, भयानक बाहुबली नन्हा मुन्ना करोना। करोना बाबू घुस रहा चोरी चोरी देश में, बंद कर डाला लोगों का आना जाना विदेश में। इससे बचने के लिए सरकार ने है नीति अपनाई, बंद करो बाहर निकलना घर में ही रहो भाई। वायरस बन के करोना ने सिस्टम को किया शट डाउन, इससे बचने के लिए मोदी जी ने लगाया लॉकडाउन। लॉकडाउन जो हो गया लंबा तो मम्मी ने मन में ठानी, सब बिस्तर पे चढ़ के बैठे याद करा दूं इनको नानी। सुबह सुबह ऐलान कर दिया कान खोल के सुन लो सारे, आज से मैं भी छुट्टी पर हूँ किचन हुआ तुम्हारे हवाले। रोज सुबह तो उठ जाती हूँ आज चाहिए बैठी मुझको, सिर पकड़े सब सोच रहे कौन कराए नाश्ता किसको, पूरी पराठा इडली डोसा रोज सभी है ऑर्डर देते। चली गई छुट्टी पे मम्मी पापा बैठे अंडे फेटे, चादर कहीं पड़ी है बिखरी कहीं पड़े हैं कपड़े मैले, चारों तरफ बवाल मचा है हाय इसको कैसे झेले। दीदी कूद पड़ी मैदान में लेके खड़ी हाथ में झाड़ू, दीदी आगे कचड़ा पीछे बनने चली थी बड़ी जुगाड़ी, भैया भी कस चुके कमर है बोले बर्तन मैं मांजूंगा, पापा जी आ गए जोश में आज तो कपड़े मैं धो लूंगा। ना झाड़ू ना बर्तन कपड़े ना बन पाया दाना पानी, बैठे हैं सब थक हार के याद आ गई सच में नानी। मम्मी गुपचुप मुस्की मारे देख रही झूठ मूठ मोबाइल, आज पड़ी जो अपने सर पे सब हो गए मम्मी के कायल। धीरे धीरे सरक सरक के सब मम्मी के पास थे खड़े, सबको गलती समझ आ गई पछता रहे कानों को पकड़े। प्यारी मम्मी समझ गए हम आज जो सर पे आई, कहाँ गया मम्मी का फंडे जब सबने छुट्टी मनाई। चलो आज ये वादा पक्का घर के सारे काम धंधे मिलकर किया करेंगे हम सब, खूब मनाओ तुम भी संडे। करोना भाई अब तो तुम ले लो विदाई, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे हम सब की है शामत आई। धन्यवाद। बहुत ही सूचना प्रद कविता पाठ जो आज के परिपेक्ष में पूर्ण उतरता है कि करोना है भगाना तो घर से दूर नहीं जाना। अब हम अपना कार्यभार आदर सहित माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हर्षिता खडेलवाल और आयुषी गुप्ता को प्रदान करते हैं और अंत में यही कहेंगे सुरक्षित रहें खुश रहें। धन्यवाद विशिता और साम्य। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और माध्यमिक विभाग की प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मनुष्य के जीवन में जब कभी संकट की घड़ी आती है तब वह उनसे उबरने के लिए केवल अपने इष्ट को ही विनम्र अनुरोध करता है। ऐसा ही भाव प्रकट करने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ सी वी रमन सदन की प्रतिभागी के रूप में 8वीं स की भव्या झा को।
जो प्रभु आस्था के प्रति दृढ़ विश्वास स्थापित करने हेतु प्रयासरत हैं। नमस्कार आदरणीय निर्देशिका महोदया, नीरशीर निर्णायक मंडल, अध्यापक गण व मेरे प्रिय सहपाठियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम कितने गहरे संकट से गुजर रहे हैं। इस कठिन संकट में आइए भगवान से इस महामारी को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें, जिससे यह महामारी शीघ्र ही समाप्त हो और दुनिया अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट आए। चलिए अजय प्रकाश जी द्वारा रचित कविता सृष्टि के कर्ता द्वारा भगवान का आवाहन करें। तो प्रस्तुत है भक्ति भाव से ओतप्रोत कविता सृष्टि के कर्ता। संकट हरो है सृष्टि के कर्ता, तुम ही हो प्रभु सारी विघ्नों के हर्ता। संकट हरो है सृष्टि के कर्ता, तुम ही हो प्रभु सारी विघ्नों के हर्ता। बड़ी मुश्किल है देखो आन पड़ी, दे रही है दस्तक दरवाजे पर होकर खड़ी। बड़ी मुश्किल है देखो आन पड़ी, दे रही है दस्तक दरवाजे पर होकर खड़ी। क्यों तुमने भी अपने द्वार बंद किए, क्यों तुमने भी अपने द्वार बंद किए। असंख्य हार फूल दीपक जलाए तुम्हारे लिए, असंख्य हार फूल दीपक जलाए तुम्हारे लिए। कणकण में है अस्तित्व तुम्हारा विद्यमान, कणकण में है अस्तित्व तुम्हारा विद्यमान। दुख दर्द दूर कर दया करो भगवान, दया करो भगवान। दुख दर्द दूर कर दया करो भगवान, दया करो भगवान। तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही कृष्ण तुम्ही हो राम, तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही कृष्ण तुम्ही हो राम। जग में फैला उजियारा तुम्ही हो सबके धाम, तुम्ही हो सबके धाम। जग में फैला उजियारा तुम्ही हो सबके धाम, तुम्ही हो सबके धाम। हर डाली पर फूल पत्ता तुम्ही ने है खिलाया, हर डाली पर फूल पत्ता तुम्ही ने है खिलाया। तुम्ही ने दिया जीवन तुम्ही ने माटी में मिलाया, तुम्ही ने माटी में मिलाया। माना इस कलयुग में कुछ भी नहीं है सच्चा, माना इस कलयुग में कुछ भी नहीं है सच्चा। जगता है प्रभु लेकिन तुम्हारे नाम की माला हर बच्चा, जगता है प्रभु लेकिन तुम्हारे नाम की माला हर बच्चा। माथा टेक कर मांगी सभी ने हजारों मन्नते, माथा टेक कर मांगी सभी ने हजारों मन्नते। बरसानी ही होंगी तुम्हें अब अपनी रहमते, बरसानी ही होंगी तुम्हें अब अपनी रहमते। छोटे बच्चे हम नादान पूजा करते हे भगवान, छोटे बच्चे हम नादान पूजा करते हे भगवान। फूल हमारे तुम रख लेना करुणा संकट से हमें बचाना, फूल हमारे तुम रख लेना करुणा संकट से हमें बचाना। विनती करते हे भगवान हम सब है तेरी संतान, विनती करते हे भगवान हम सब है तेरी संतान। तुम जग के पालक भगवान गलती क्षमा कर हम है नादान, तुम जग के पालक भगवान गलती क्षमा कर हम है नादान, हम है नादान। हम पे दया कर हे भगवान, हम पे दया कर हे भगवान। विनती करते हे भगवान ऐसी लपटों का करो संचार, ऐसी लपटों का करो संचार। भस्म होए आफत और दुनिया का हो उद्धार, भस्म होए आफत और दुनिया का हो उद्धार, दुनिया का हो उद्धार। धन्यवाद। धन्यवाद भव्या, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, संकटों की राह में अकेले ही चले चलो। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कर्ता चावला सदन के प्रतिभागी के रूप में समर्पित को, जो अपनी कविता द्वारा भारत भूमि की छाती को प्रस्तुत करने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम समर्पित है, मैं कक्षा 7 कल्पना चावला का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हरि ओम पवार जी द्वारा लिखी गई कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के। लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण मन के कंदन के। जब पंछी के पंखों पर हूँ पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हूँ पहरे बम के गोली के। जब पिंजरे में कैद पड़े हूँ सुर कोयल की बोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के। जब धरती के दामन पर हो दाग लहू के होली के, तब कैसे कोई गीत सुना दे कुमकुम बिंदिया रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद,
कहां बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहां बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल ने पी डाला आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना से हम अपना देश बनाना भूल गए, इस दुर्घटना से हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल चले, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल चले। सोन चिड़ैया सूली पर है पंछी गाना भूल गए, सोन चिड़ैया सूली पर है पंछी गाना भूल गए। आँख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। जागो राजघाट के गांधी, जागो राजघाट के गांधी, तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी जी को गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई भारत माता को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली देते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोर सिखाने आया, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया। धन्यवाद। धन्यवाद समर्पित। हम सब तो यह जानते ही हैं, चिट्ठी में मन का प्यार, चिट्ठी घर का अखबार, सुख दुख की इसमें है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, ये ऐसी ही मीलों का सफर पूरा कर चिट्ठी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचती है। तो चलिए सुनते हैं इस चिट्ठी में लिखे संदेश को। अब मैं आमंत्रित करती हूँ राधा कृष्णन सदन के प्रतिभागी मोक्ष पराशर को, वो मंच पर आए और अपनी काव्यांजलि प्रस्तुत करें। मैं मोक्ष पराशर आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ये कविता वीर रस के महनिया कवि विनीत चौहान द्वारा रचित है। इस कविता की मात्र इतनी भूमिका है कि एक नव विवाहित नौजवान रणभूमि में धरती माता के आंचल में अंतिम सांसें गिन रहा है। वह अपनी अंतिम सांसें एक पाती के रूप में अपने भाई माता और पिता को समर्पण करता है। इस मार्मिक दृश्य को हृदय में अंकित करते हुए मैं कविता का वाचन करता हूं। यूं तो कहूं तुम्हारे इश्क पे ये जान भी कुर्बान है, यूं तो कहूं तुम्हारे इश्क पे ये जान भी कुर्बान है, पर मातरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर मातरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचा है मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोले से पत्र अंतिम तुमको लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, मगर मैं इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ कसम माँ तुम्हारी थी शपथ आज मैं इंचों में कटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ आज मैं इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम जो दी थी तुमने आज मैंने पूर्ण की है, आज मैंने पूर्ण की है। छा रहा था जब आंखों के सामने अंधेरा, छा रहा था जब आंखों के सामने अंधेरा, लग रहा है दिव्यता में मुझे ये नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं किस तरह शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। ये ना समझो माँ की मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं फिर कोख से तुम्हारी जन्म लेने आ रहा हूँ। जितनी भारी लगती है शेषनाग को ये धरती, जितनी भारी लगती है शेषनाग को ये धरती, उतनी भारी लगती है पिता को अपने बेटे की अर्थी। मैं तुम्हें पहले ही बचपन में बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमान सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर ले मुझे तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का करना पाया, तुम मुझे क्षमा करना पितृ ऋण को मैं भरना पाया। ओ पिता ये प्रश्न मुझको आज भी खा रहा है कि आज भी ये सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। सुन अनुज रणबीर पाओ में जब गोली आसमाई, ओ मेरी बाई बुझा तब मुझको तेरी याद आई।
मैं तुझको बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, मैं तुझको बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट के भी आऊंगा ये विश्वास दे सकता नहीं हूँ, लौट के भी आऊंगा ये विश्वास दे सकता नहीं हूँ। पर अनुज भरोसा रखना, मैं नहीं थककर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ, बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान रखना। तो मुझसे कहना रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में आशीष देता नजर आएगा, भाई अंबर में आशीष देता नजर आएगा। तो दोस्तों मैं इस कविता को अब विराम देता हूं। हिंदुस्तान की माटी में ऐसे शेर पैदा होते थे, पैदा होते हैं और पैदा होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद मोक्ष, बहुत ही सुंदर चिट्ठी पढ़ी आपने, मन को भाव विभोर कर दिया, कानों से जाकर दिल से निकलती है आपकी चिट्ठी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सरोजिनी नायडू सदन की प्रतिभागी रक्षिता भल्ला, जो अपनी प्रस्तुति द्वारा अखंड भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने जा रही है। परम श्रद्धेय निर्देशिका महोदया, निर्णायक गण मंडल तथा अन्य उपस्थित गणमान्य सदस्यों, मैं रक्षिता भल्ला आप सभी का सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष वीर रस से ओतप्रोत कविता अखंड भारत प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी यह कविता उन सभी देशवासियों को समर्पित है जिनके दिलों में अपने दुश्मनों के लिए उतनी ही आग भरी है जितनी एक सच्चे देशभक्त के दिल में होनी चाहिए। तो आइए आप भी मेरी इस कविता के द्वारा संकल्प कीजिए कि हम अपनी भारत की अखंडता को कभी खंडित नहीं होने देंगे। कल को दुश्मन हमसे 200 कोस दूर भागे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरम पंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफली पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। आतंकवादियों वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो। दिल्ली वाले ठोकर मारो दुनिया के हथखंडों को, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों से। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये कायर के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद करने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से देने दो। जब चौराहों पर हथियारे महिमा मंडित होते हैं, तब भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हैं। जब भारत माँ के नारे हो गुलमर्ग की गलियों में, शिमला समझौता जलता है बंदूकों की नलियों में। तो केवल आवश्यकता है हिम्मत के खुददारों की, दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। भारत एक अखंड राष्ट्र है, भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवारत की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। अब तो वक्त बदलना सीखो, अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर एक सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। धन्यवाद। धन्यवाद रक्षिता, बहुत ही ओजस्वी प्रस्तुति, मन को झकझोर कर रख दिया।
जब तक निर्णायक मंडल हमें अपना निर्णय बताएंगे, आइए चलते हैं एक प्रेरणादायक गीत की ओर जो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तो चलिए चलते हैं गीत की ओर। कुछ पाने की हो आसास, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिन की, उम्मीदें हंसे दिन की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिन की, उम्मीदें हंसे दिन की, अब मुश्किल की विद्यार्थियों के द्वारा। आशा है आप सभी ने इस कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लिया है। अभी हमारे साथ इसी कवि सम्मेलन में सम्मिलित हुई उपनिदेशिका श्रीमती सौम्या गुलाटी जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैम, आपका इस कवि सम्मेलन में तहे दिल से स्वागत है, और मैं आग्रह करूंगी कि आप अपने मुखारविंद से कुछ शब्द कहें ताकि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़े। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. सुप्रभात बच्चों, साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो हम सबको इस समय भी जोड़ के रखा हुआ है, और आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आप सभी को बहुत बधाई। कुछ कविताएं तो ऐसी थी जिन्होंने मुझे खासकर अपने स्कूल का वक्त याद दिला दिया। झांसी की रानी, आराम करो, ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो हम सब पढ़कर बड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत ही बधाई, और खासकर आप सबकी अध्यापिकाओं को भी। और
आशा करती हूँ ऐसे ही कार्यक्रम आप लोग करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। खुश रहो, घर पर रहो, खुश रहो। और ये कहने से नहीं रुक पाऊंगी कि आप सबको, आप सभी बच्चों को हम सब बहुत याद करते हैं। और बस वक्त निकल रहा है आप सबके इंतजार में आप सबसे मिलने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपके मुखारविंद से निकला प्रत्येक शब्द हमारे दिल के कोर में समा गया है। और मैम आपका जो ये कहना है कि आप बच्चों से मिलने के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चे और हम सब अध्यापक गण भी विद्यालय के आंगन में प्रवेश करने के लिए तड़प रहे हैं। मैम आपका सानिध्य आज हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सहायक निदेशिका अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन श्रीमती चंदन धवन जी को। मैम आपने इस पूरे कवि सम्मेलन का आनंद लिया है, कृपया हमारा दिशा निर्देशन प्रदान करने में और मनोबल बढ़ाने में अपनी भावाभिव्यक्ति प्रदान करें। आमंत्रित है श्रीमती चंदन धवन जी। नमस्कार, मेरी ओर से मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मैं ये कहूंगी मजा आ गया, आनंद आ गया। और सौम्या मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगा कि शायद सिर्फ मैं ही अपने स्कूल के दिनों में पहुंची थी, पर आप लोगों ने ऐसा वातावरण बनाया, ऐसा वातावरण बनाया कि वाकई में भाव विभोर कर दिया और कहीं कहीं तो आंखें भी नम हो रही थी। मैं जानती हूं कि आप लोगों में जितनी प्रतिभा है वो आप लोगों की अध्यापिकाओं की सहायता से निकल के आ रही है, पर बच्चों इसी तरह से हमेशा दृढ़ता बनाए रखना, इसी तरह से हमेशा संबल बनाए रखना और आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। इस तरह की कठिन परिस्थितियां तो आती रहती हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में, भारत जैसे देश में पिछले कई सालों से, मैं तो ये कहूंगी कि 100 या 100 सालों से भी इस तरह की आपदाएं आई हैं। और हमारे सब पूर्वजों ने, हमारे सब बड़ों ने उन सब का सामना किया था, तो हमने उन्हीं से शिक्षा ली हुई है बच्चों, ये भी आपदा निकल जाएगी। वो बात तो बिल्कुल सच है कि हम लोग आपके लिए उदास हो गए हैं, चाहते हैं कि जल्दी आपके शक्लें देखें। हालांकि जब आप लोगों को इस तरह वीडियो में देखते हैं तो बहुत तसल्ली होती है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल सामने क्लासरूम्स में देख करके जो आनंद आता है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी हर बच्चे की ओर से, चाहे वो प्राथमिक कक्षाओं के थे या माध्यमिक कक्षाओं के थे। बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने और मेहनत करना ही आपका धर्म होना चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए, ये सोचकर कदम बढ़ाकर आगे चलते रहना बच्चों, आगे चलते रहना। मैं अपनी शिक्षिकाओं को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने इन बच्चों की जो सहायता करी वो भी सराहनीय है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपके शब्द आपकी बातें हमेशा प्रेरणा स्रोत रहती हैं। आपसे हमेशा हमें यही सीखने को मिलता है कि जब थकने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल वो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कुछ ऐसे ही जुगनू हमारे विद्यालय के प्रांगण में थे जो कवि सम्मेलन के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। अब मैं अनुरोध करती हूँ निर्णायक मंडल में से श्रीमती नीलम आहूजा जी को कि मैम आपने इस कवि सम्मेलन से जो भी ग्रहण किया, आपको जो भी आपके भाव हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करना चाहती हैं, हमें बधाई देना चाहती हैं या अपने भावोद्गार प्रकट करना चाहती हैं, आपका स्वागत है, आप आमंत्रित हैं अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए। शुक्रिया कविता। मंचासीत, अपने आवास में मंचासीत मेरे श्रद्धेय जन, श्रीमती सौम्या गुलाटी जी, श्रीमती अंशुका नेजा जी, श्रीमती चंदन धवन, श्रीमती अर्पिता आचार्य और मेरे सहयोगी शिक्षक गण, निसंदेह आज की इस काव्य गोष्ठी में
जो आनंदातिलेक की प्राप्ति हुई उसका बखान शब्दों में करना अवर्णनीय है। फिर भी सर्वप्रथम मैं काव्य गोष्ठी के सभी प्रतिभागियों को शुभाशीष देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को कवि सम्मेलन की मंच के द्वारा निखारा, तराशा। कहते हैं जब प्रयत्न, प्रयास और परिश्रम तीनों मिल जाएं, तो निसंदेह एक बालक कुंदन बन जाता है, और यही बच्चों ने कर दिखाया। इस COVID-19 के कठिन काल में बुद्धिजीवी छात्रों ने असंभव को संभव कर दिखाया। फिर चाहे भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही हो, या वीरस और या हास्य रस, तीनों का सम्मिश्रण सचमुच आनंददायक रहा। और मैं कहूंगी कि बच्चों ने अपनी इस काव्य प्रतिभा से न केवल इस कठिन काल में सबके चेहरे पर शीर्षक मुस्कुराहट पैदा की, अपितु सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विकास किया। और इस कार्य हेतु मैं सर्वप्रथम अपने विद्यालय की ब्लूबेल्स ग्रुप ऑफ स्कूल की निदेशिका महोदया, जो इस समय उपस्थित नहीं है, फिर भी मेरे उद्गार उनके लिए समर्पित है कि उनका वरद हस्त सदैव हमारे ऊपर बना रहे और उनके योगदान से ही तकनीकी व्यवस्था का जो उत्तम कार्य हम कर पा रहे हैं, अपने आवास में, अपने निकेतन में बैठे हुए भी हम सब मिल पा रहे हैं, यह सब उसी का परिणाम है। और मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी कि मेरी प्रेरणा, मेरा साहस, मेरी चेतना, मेरा मान, मेरा अभिमान, मेरी पहचान, मेरा ब्लूबेल्स महान, क्योंकि मैंने पाई इससे इज्जत, मैंने पाया इससे रुतबा, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा ब्लूबेल्स महान। और बच्चों की कविताएं सुनकर मुझे भी, जैसे सोम्या मैम ने भी कहा कि मुझे भी अपने बचपन में वो याद आ गई जब हम क्या करते थे, कुछ शब्दों को जोड़ लेते थे, कहीं से कुछ लिख लेते थे और फिर सम्मिश्रण भाषा का बनाकर बड़े प्रसन्न होते थे। तो कुछ पंक्तियां मेरे भी मस्तिष्क में आ रही हैं जो मैथिली शरण गुप्त की हैं वैसे तो, लेकिन अपने शायद कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम की है, ये मुझे अब याद नहीं है। वियोगी होगा पहला कवि, मुख से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और फिर उस समय बड़ी आदत होती थी कंपैरिजन करने की, तो हमने फिर शैली के पोएट शैली के शब्द भी उस समय नोट किए थे, जो थे, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट, दैट वाज पोएट शैली सैड। और फिर उसको हमने गीतबद्ध भी किया था, शायद वो गीत उस समय प्रसिद्ध होगा, वो था, है सबसे मधुर वह गीत जिसे हम दर्द के सुर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते जाते हैं। तो सचमुच इन नन्हे बालकों की प्रतिभाओं से मनभाव विभोर हो गया और ऐसा लग रहा था कि हम भी अपने बचपन में पहुंचकर उसी लय से, उसी ताल से, उसी तल्लीनता से कविता वाचन कर रहे हैं। एक बार फिर से हार जीत चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस रंगमंच पर आकर बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ जो कविता कायम किया, वो सचमुच सराहनीय है। मैं इसके लिए सभी को अत्यधिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बच्चों को साधुवाद, और जीवन में इसी प्रकार प्रयत्न, प्रयास और परिश्रम से उन्नति करते हुए आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आप जैसे अनुभवी निर्णायक गण के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द हमारे लिए हमेशा दिशा निर्देशन का कार्य प्रदान करने वाला होगा। आप जैसे अनुभवी अध्यापक की छत्र छाया में हम सब लोग अपने कार्यों को कर रहे हैं। आपका आना और विद्यार्थियों को देखना कविता पाठ करते हुए सचमुच प्रसन्नतापूर्वक ध्यान वाचन और कार्य करने वाला था। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमान शशि जी को कि सर आप आए और अपने मुखारविंद से हमारे बच्चों को साधुवाद प्रदान करें, तथा साथ ही साथ अपने भावोद्गार भी प्रकट करें कि आपको इस कवि सम्मेलन के माध्यम से
क्या अच्छा लगा, क्या हमें आगे ध्यान रखने की जरूरत है इस तरह के कवि सम्मेलन में, और किस प्रकार हम इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने में किन किन चीजों का हम ध्यान रखें। आमंत्रित है शशि तिवारी जी। सबसे पहले मैं अपने सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करने के बाद मैं अपने छोटों को सबसे पहले आशीर्वाद और स्नेहाशीष प्रदान करता हूं, स्नेह प्रदान करता हूं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक रस की अनुभूति की बात है, अगर कहें वीर रस का नारियल जो है वो भक्ति रस की लीची के समान है, लीची का अपना स्वाद है और भक्ति का और वीर रस के नारियल का अपना स्वाद है, और इसी तरह से वीर और हास्य रस अगर गुदगुदाने वाला हास्य रस केले के समान अगर है, तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी फल किसी के समान नहीं है, सभी में अपने अनुपम गुणवत्ता को धारण किए हुए हैं। सबसे पहले मेरा ध्यान हर्षिता और साम्य और दिशिता, हर्षिता साम्य और दिशिता जिन्होंने मंच संचालन का काम किया, उनका कार्य कितना सराहनीय रहा, मैं तो देख करके बहुत खुश हूं और बहुत प्रसन्न हूं। और मैं तो साक्षात निष्ठा जो वीर रस की कविता सुना रही थी, ऐसे लग रहा था कि वीरांगना जो है वो रणक्षेत्र में साक्षात रणभेरी लेकर आ गई हो और यूं ही बजाने लग गई। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत ही समर्पित, जो पूरी तरह से अपने कविता के प्रति समर्पित था, जिसने वो देशभक्ति के प्रति समर्पण का भाव जो है वीर रस के माध्यम से अर्पित किया, उसको सुनकर के मेरी आंखों में आंसू जो है आ गए, सहज रूप से आंखों में आंसू आ गए। निश्चित ही बच्चों, ये सरस है, रस है साहित्य में, हित के सहित जो है वो साहित्य है जो हमारा कल्याण करे, और इस साहित्य में रस है, और रस का आनंद यदि हृदय में है तो निश्चित ही व्यक्ति आनंदित होता रहेगा। व्यक्ति आनंद से कहीं दूर नहीं है, लेकिन खोज दूर करता है। अगर वह आनंद का स्वरूप है, स्वयं आनंद का स्वरूप है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ब्रह्ममय है और ब्रह्ममय व्यक्ति ब्रह्म आनंद का स्वरूप और स्वयं में न स्थित होकर के बाह्य रूपों में खोजता है, इसलिए वह आनंदित नहीं, वह दुखी रहता है। भक्ति रस में निश्चित ही, या वीर रस में, या किसी भी, यदि किसी को जज बना दिया जाए तो उसके सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो रस परिपाक में या रस के आनंद लेने में वो किसी न किसी तरह से उसको दरकिनार कर दिया जाता है, उसमें ये आनंद लेने की क्षमता होती है लेकिन लेने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जज है। लेकिन मैंने बहुत आनंद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जज बनाने के लिए मैं धवन मैम को और अपने बड़े जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं उनको मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं और बार बार उनको मैं नमन करता हूं, और बहुत दिन बाद देख करके और निश्चित ही मैं बहुत आनंद से विह्वल हूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके भावों के माध्यम से जो अपनेपन का एहसास हुआ, वो एहसास की पराकाष्ठा थी। आप जैसे प्रबुद्ध निर्णायक मंडल का साथ हमें मिला, ये हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है। अब मैं आमंत्रित करूंगी भावोद्गार के लिए श्रीमती तनुजा शर्मा जी को। मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। शुक्रिया कविता जी। मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करती हूँ और उपस्थित सभी बच्चों को मेरा स्नेहिल प्यार भरा नमस्कार। सर ने बिल्कुल सही कहा कि रस का रसास्वादन करने के लिए स्वयं भी उसमें उतना ही डूबना आवश्यक है। बच्चों की प्रस्तुति
ऐसा लगा जैसे साधारणीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। उनके मुख से निकला एक एक शब्द बिल्कुल हृदय पर वैसे ही अंकित होते गए जिस भाव से उन्होंने प्रकट किया। और ऐसे क्षण में जब बिल्कुल चारों तरफ इस तरह का वातावरण है, इस तरह का माहौल है, ऐसे में इस प्रकार के कवि सम्मेलन का आयोजन ही अपने आप में एक महान बात है। मैं चंद शब्दों में इसे बयान करना चाहूंगी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और ये तिनका तिनका, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक जो कल के भावी कर्णधार हैं, उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर के, इस प्रकार के भावोद्गार सुनकर के हृदय गदगद हो उठता है। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का जो आप सबने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ उपस्थित होकर के इस क्षण का आनंद उठा सकूं। बहुत ही आभारी हूँ मैं आप सभी का जो आपने मुझे इस के लिए सक्षम समझा और मुझे आमंत्रित किया। अप्रतिम जिसनी भी मैं प्रशंसा करूँ वह कम है, चाहे बच्चों की या उसके पीछे कार्यरत शिक्षक गण की, जो इस कठिन परिस्थिति में भी बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आगे हैं और बढ़ चढ़कर कार्यक्रम को संचालित करना या उसे सफल बनाने का सफल प्रयास किया है। बहुत ही खूब, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम का संचालन अवश्य हुआ करे जहाँ पर बच्चों के साथ शिक्षकों को भी अपने उन बच्चों को देखने का अवसर प्राप्त हो। इसे कहा कि हम सभी स्कूल के समय में पहुंच गए, पुरानी यादों में। बहुत मन करता है वाकई में कि स्कूल आए, उन बच्चों से मिलें, उनके साथ सामने बैठ करके अपनी बातें साझा करें, उनसे सुने, उनकी वो छोटी छोटी नादानियां गलतियां उनको सुधारना, उनका वो कॉरिडोर में भागना दौड़ना, उनके पीछे बहुत सारी बातें याद आती हैं। ऐसा लगता है कि काश बस स्कूल खुल जाए और हम उन नन्हे कदमों को फिर से सुने, वरना ये बिल्डिंगें तो ऐसे ही खड़ी रहेगी, जान तो उनमें उन बच्चों से ही है। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा आभार है तहे दिल से। अर्पिता मैम आपका भी, चंदन मैम आपका भी और उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया। धन्यवाद मैम, आपकी आंखें नम हो गई, इससे मैं बिल्कुल महसूस कर पाती हूँ, कर पा रही हूँ कि आपने इस कविता रसास्वादन का कितना आनंद लिया होगा। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत भी हूँ कि ये जो बिल्डिंगें हैं, स्कूल की इमारतें हैं, ये बिना बच्चों के कुछ भी नहीं, निर्जीव है, निष्प्राण है। इसमें प्राण भरने का जो काम करते हैं वो विद्यार्थी प्रदान करते हैं। आप सभी के विचार हमारे समक्ष आए, आप सभी ने अपने भावोद्गार प्रकट किए, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी हमारे पास परिणाम आ चुका है, सभी सदनों ने श्रेष्ठ काव्य अंजलि प्रस्तुति की, लेकिन जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्तर और तम की श्रेणी को पार करके गए वो बच्चे, वो सदन इसका रसास्वादन और बेहतर तरीके से कर पाएंगे अपनी जीत के साथ में। कहते हैं ना, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। तो ऐसे ही जिद को, ऐसे ही तूफानों को अपने अंदर समेटे हुए आज के विद्यार्थियों ने इस कवि सम्मेलन में अपनी काव्यांजलि प्रस्तुत की। परिणाम में कुछ इस तरह है, पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम हर सदन से, मतलब कि हम चारों सदनों से पहला और दूसरा स्थान है वो निकालेंगे, लेकिन क्योंकि प्राथमिक स्तर में दो सदनों के बीच में टाई हो गई है तो प्राथमिक स्तर में हम प्रथम स्थान ही दोनों सदनों को देंगे, जो हैं कल्पना चावला हाउस और सरोजनी नायडू हाउस। कल्पना चावला हाउस से
निष्ठा मक्कड़ और अवनीत मिश्रा सरोजनी नायडू हाउस से इन दोनों ही बच्चियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इन दोनों बच्चों के लिए दिल के प्रत्येक कोर से आशीर्वाद और मेरी ये करतल ध्वनि के माध्यम से आपका अभिनंदन आभार कि आपने इस तरह का कविता पाठ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। माध्यमिक स्तर से दो हाउस हैं जो जिन्होंने बेहतर से बेहतर कहूंगी मैं कि प्रयास किया, तो प्रथम स्थान हासिल किया है रक्षिता भल्ला ने जो है सरोजनी नायडू हाउस से, और दूसरा स्थान हासिल किया है मोक्ष पराशर ने राधा कृष्णन हाउस से। इन दोनों विद्यार्थियों के लिए भी मेरी तरफ से करतल ध्वनि के माध्यम से वंदन है, आशीर्वाद है, स्वागत है। आप चारों बच्चों को बेटा शुभ आशीष, शुभ वंदन। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस कवि सम्मेलन का जो बच्चे इस कवि सम्मेलन का अंग बने, मैं मानती हूँ बच्चों की स्थान है वो निर्धारित होते हैं, लेकिन आप सबने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, बहुत ही उम्दा प्रयास किया, और हमेशा मैं इस बात में यकीन रखती हूँ कि हमें सीखने को बच्चों से भी मिलता है। तो आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया और हमें हमारे बचपन की ओर लेकर गए, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सरोजनी नायडू हाउस को हम ओवरऑल विनर घोषित कर रहे हैं। सरोजनी नायडू हाउस है, सदन है, वो इस संपूर्ण कवि सम्मेलन का मुख्य सदन रहा है जीतने में। तो ओवरऑल हमारा जो ट्रॉफी जाती है, एक तरह से हमारा जो भावांजलि जाती है, हमारा शुभ आशीष जाता है, वो जाती है सरोजनी नायडू सदन को, जो ओवरऑल विनर रहा है इस कविता सम्मेलन का, इस कविता पाठ का। अब मैं अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचते हुए आमंत्रित करती हूँ उप प्रधानाचार्य श्रीमती अर्पिता आचार्य जी को कि मैम आप आकर अपने भाव प्रस्तुत करें, साथ ही साथ आप धन्यवाद भाषण हेतु भी आमंत्रित है। श्रीमती अर्पिता आचार्य जी। थैंक यू कविता। आप सभी को सुप्रभात। सभी बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शनी करी और मैं हर एक सदस्य ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल के हर एक सदस्य को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतना सुंदर प्रदर्शन किया। सही में कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ इस कवि सम्मेलन में जुड़ पाए, आप सभी का धन्यवाद। मैं तहे दिल से अपने जजेस का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप हम सब के साथ जुड़ पाए। And really thank you, all of you. धन्यवाद मैम। आपका आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द हमेशा हमें साहस और उत्साह का संचार करता है। आपने धन्यवाद भाषण के माध्यम से सभी उपस्थित जनों का स्वागत भी किया और धन्यवाद भी किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर ले जाते हुए मैं हमेशा बच्चों को यही बात बोलती हूँ और आज भी इन्हीं वाक्यों के साथ में मैं अंत करना चाहूंगी कि काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। तो कुछ ऐसे काम करने हैं, कुछ ऐसे नाम करने हैं जो आप बेटा इतिहास के पन्नों में, भविष्य की कलाओं में हमेशा अजर अमर रहे। आज इस कवि सम्मेलन का हम यहीं पर अंत करते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी, यही दिल से दुआ करूंगी, यही प्रयास करूंगी कि ब्लू बेल समूह स्कूल इसी प्रकार गतिविधियों में एक साथ मिलता रहे, हम एक साथ इकट्ठे होते रहें और इसी प्रकार प्रत्येक गतिविधि का आनंद लेते रहें। अंत में आप सभी को मेरी तरफ से बस इतना ही कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने घर के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ जो ये लम्हे मिल रहे हैं इनको जिए। अंत में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।